नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। छोटी छोटी बूटी का बेहद खूबसूरत डिज़ाइन, बनाना बहुत ही आसान और देखिए कितना खूबसूरत है। आप इसे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, गर्ल्स टॉप में, फ्रॉक में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 5 फंदा एक्स्ट्रा, या 6 के मल्टीपल फंदे और 1 फंदा कम। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिजाइन अच्छे लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। अब यदि हमें अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो हम इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया है। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ। तो हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। हमारा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा, तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे। अब 3 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। 1 हुआ, 2, 3। तो 3 फंदों को हमने सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लिया। अब 3 फंदे हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे, 1, 2 और 3। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू होगा और इन्हीं 6 फंदों को हम दोहराएंगे। पहले हम 3 फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, 2, एक बार लपेटा, एक बार और लपेटा और ये हो गया 3। अब 3 फंदे हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3। 3 फंदा हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे और 3 फंदे हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। तो इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, तो हम 3 फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह हमने पहली लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब लपेटे हुए 3 फंदों को खोलेंगे, 1, 2 और 3। तीनों फंदों को खोल लेंगे, इन्हें बाईं सिलाई में कर लेंगे। अब सामने की तरफ से यानी तीसरे फंदे की तरफ से हम सिलाई डालेंगे और पहले की तरफ निकालेंगे। ऐसे सामने की तरफ से हम तीनों फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। 1 हुआ, ऊन को अपनी ओर करेंगे, ये दूसरा फंदा हो गया और फिर इन्हीं तीनों में एक बार और। तो ये 3 से हमने 3 फंदे बना लिए। 3 फंदों से देखिए 3 फंदे बन गए। अब इसे हम गिरा देंगे। अब 3 फंदे हमारे नॉर्मली उल्टा बुने गए थे तो उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। लपेटे हुए 3 फंदों को हम खोलेंगे, फिर तीनों को एक साथ लेते हुए फ्रंट लूप से 3 से 3 फंदे बना लेंगे। ये दूसरा हुआ और फिर इन्हीं में एक बार और बुन लेंगे तो ये 3 से 3 फंदे बन गए। अगले 3 फंदे सीधे। लपेटे हुए 3 फंदे खोलेंगे, 3 फंदों से 3 फंदा हम सीधा बुनते हुए बनाएंगे, 1, ऊन अपनी ओर किया, 2,
और फिर इसी में एक बार और सीधा बुन लिया तो हो गया तीन, तीन से तीन फंदे बन गए और अगले तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, लपेटे हुए तीन फंदा हम खोलेंगे, तीनों को एक साथ लेंगे, बाएं सिलाई में कर लेंगे, फिर सामने की तरफ से यानी तीसरे फंदे से हम पहले फंदे में ऐसे सिलाई निकालेंगे, फिर तीन फंदा बनाएंगे, एक उन अपनी ओर किया दो और फिर इसी में एक बार और तीन। इन्हीं छह फंदों को दूर आते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में तीन लपेटे हुए फंदे बचेंगे, एक दो तीन, तो इन्हें खोलेंगे और तीन से तीन फंदा बना लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम वापस आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिजाइन का तीसरा लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए इन तीन फंदों को हमने, पहले तीन फंदों को हमने लपेटा था तो इसे हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन, और अब अगले तीन फंदे इन्हें हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। तीसरी लाइन में हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया है। जिन फंदों को हमने सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुना था उसे हम नॉर्मली उल्टा बुन लेंगे, एक दो तीन, और जिसे हमने नॉर्मली उल्टा बुना था उन्हें हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। तो इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, यानी यहाँ से रिपीट पैटर्न, तीन फंदा नॉर्मली उल्टा, एक दो तीन, और तीन फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा। तीन फंदा नॉर्मली उल्टा, देखिए जहां पे डिजाइन बना है उसे हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे और जहां डिजाइन नहीं बना है वहां पे हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, एक दो उल्टा बुन लिया, एक दो, दो बार लपेटते हुए उल्टा, तीन फंदा नॉर्मली उल्टा और तीन फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा। चार फंदे बचेंगे, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, तीन फंदा डिजाइन बैलेंस करने के लिए और लास्ट फंदा एज स्टिच। तो ये हमने तीसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए ये तीन फंदे नॉर्मली उल्टा बुने गए थे तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, सीधा बुन लिया। अब देखिए ये तीन फंदे लपेटे हुए हैं तो पहले इन्हें हम खोलेंगे, फिर तीनों को एक साथ लेंगे, बाएं सिलाई में ले लेंगे और फिर तीसरे की तरफ से सिलाई डालेंगे यानी फ्रंट लूप से, और तीनों को एक साथ लेते हुए तीन फंदा बनाएंगे, एक उन अपनी ओर किया दो और फिर इसी में एक बार और बुन लिया तो तीन। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा, यानी तीन फंदा सीधा और फिर तीन लपेटे हुए फंदे को खोलकर और फिर इन तीनों को एक साथ लेकर तीन से तीन फंदे बनाना है। तो इन्हीं छह फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में चार फंदे बचेंगे तो उन्हें हम सीधा बुन लेंगे।
चार लाइन का और छह फंदों का ये रिपीटेड डिजाइन है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है। यदि आपको ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट जरूर करें ताकि पता चले कि आपको मेरा डिजाइन कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।